गणपति हमारे घर आए हैं, डेढ़ दिन रहते हैं, तो हम अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उनके साथ करते हैं, तो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, लाइक हाउ एक गेस्ट आते हैं जिसके आप पूरे साल इंतजार करते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। जी इसे क्या कहते हैं? एक्चुअली एक हफ्ते से प्रेपरेशन चल रही है एंड ऑफकोर्स मम्मा ने 90% काम किया है, ऊपर का सारा टचअप मैंने किया है, तो हमारा वो डील है दैट ऑल द हार्ड वर्क मेकिंग एवरी थिंग इज हर थिंग डिपार्टमेंट, प्रेजेंटिंग एवरी थिंग इज माई डिपार्टमेंट। तो बहुत मज़ा आया एंड जो हमारे गणपति है मैं आपको बताऊँगी, देखिए उन्होंने पगड़ी पहन रखी है, बहुत ही हमने इस बार हमारा पता नहीं ऐसा डिसीजन था एंड मम्मा चाहते थे कि गणपति जो पगड़ी वाले गणपति चाहिए, तो ये बहुत हमें ऐसा लगा जैसे कि आए हैं और हमारे घर में आराम से बैठ गए, तो वो देखते ही वी जस्ट चोज हिम एंड आई वाज लाइक नहीं इस साल ये वाले गणपति हमारे आएंगे। गणेश जी लाने के पीछे सभी का अलग एक व्यू होता है, एक थॉट होता है, तो आप किस थॉट से गणेश जी को अपने घर पर लाए? एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी तो मैं हमेशा पहली बार आई वॉज इंट्रोड्यूस टू गणपति महोत्सव एंड मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, बट आई वॉज वेरी इंट्रीक्ड सबसे पहले जब मैंने देखा और इतना फेस्टिव मतलब मूड सबका एंड वाज सो नाइस कि मैंने सोचा था जब एक तो मुझे दिल्ली वापस जाना नहीं था, तो मैंने सोचा था जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगी और मेरा अपना घर होगा तो मैं ज़रूर गणपति रखूंगी एंड दैट वाज माय फर्स्ट थॉट। एंड उसके अलावा यू नो पूरे साल हम अपना घर सबके लिए नहीं खोलते, लाइक आई डोंट कॉल एवरीवन टू माय हाउस, बट ये एक ऐसा दिन है जब मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं किसको आने दूँ घर के अंदर, जो भी मुझे कॉल करके कहता है कि यू नो आई वांट टू कम और आई जितने लोग मेरे लिस्ट में हैं फ़ोन के आई कॉल एवरीवन, तो दिस इज़ वन डे वेयर एवरीवन इज़ वेलकम टू मीट माय स्पेशल गेस्ट दैट इज़ ऑफ कोर्स माय क्यूट गणपति, तो इसीलिए दैट इज़ माय थिंग।